राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अजमेरू महानगर की ओर से 3 अक्टूबर विजयादशमी के अवसर पर अजमेर महानगर का पथ संचलन निकाला जाएगा। इससे पूर्व रविवार को संघ के विभिन्न नगरों का पूर्वाभ्यास पथ संचलन निकाला गया। सम्राट पृथ्वीराज नगर का पथ संचलन नगर संघ चालक पीराराम सोनी के सानिध्य में सुबह 10 बजे अंगीरा आश्रम अंगीरा नगर से शुरू होकर बिहारीगंज भजनगंज उदयगंज मेो लिंक रोड प्रकाश रोड 9 नंबर पेट्रोल पंप होते हुए दोबारा 10:39 पर अंगीरा आश्रम पर संपन्न हुआ। स्वयंसेवक संघ वर्ष में एक बार पथ संचलन निकालता है, जिससे समाज में शक्ति का संचार हो और समाज अपने आप को शक्ति संपन्न महसूस करे। सुभाष चंद्र बोस नगर के नगर संघ चालक उमाशंकर शर्मा के सानिध्य में क्रमांक 8 का पथ संचलन सुबह 9:30 रामगंज चौराहे से शुरू होकर 10:09 पर चंद्रवदाई नगर सी ब्लॉक पार्क पर संपन्न हुआ। चलन है, उसके निमित्त अजमेर महानगर के 7 नगरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दीनदयाल नगर के अंदर बड़ा नगर होने के कारण से नए कार्यकर्ताओं में जोश होने के कारण से द्विधारा संचलन का आयोजन यहाँ पे किया गया। अभी अगले अपने 3 तारीख को महानगर का संचलन निकलेगा। ये आसुरी शक्ति को डराने के लिए और जो सज्जन शक्ति है उसको अपने पीछे देवी शक्ति है वो प्रकटीकरण करने के लिए संचलन का आयोजन करते हैं। इसी तरह दीनदयाल नगर के नगर संघ चालक मनमोहन गोयल के सानिध्य में पथ संचलन माधव वाहिनी और केशव वाहिनी द्वारा प्रेम नगर और बालाजी संघ स्थान से ठीक 9:30 शुरू होकर दोनों का द्विधारा शक्ति संगम 10:15 पर पंचोली चौराहे पर हुआ और समापन 10:20 पर कृष्णा कॉलोनी में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कदम से कदम मिलाते हुए 2 जगह से एक साथ 9:30 करीबन 600 स्वयंसेवक सामूहिक पूर्ण गणवेश के अंदर अपने कदम से कदम मिलाते हुए मन से मन मिलाते हुए अपने गंतव्य स्थान पर ललवाणी गार्डन पर 10:20 पर अपना समाप्त हुआ। उसके बीच में 10:15 पर 2 जगह से निकला पथ संचलन एक साथ संगम के रूप में पंचोली चौराहे पर सारे स्वयंसेवकों के माध्यम से अपना यहाँ ललवाणी गार्डन पर समाप्त हुआ। संघ के जो पथ संचलन के लिए स्वयंसेवक लगातार नियमित देशभक्ति के लिए लगातार साधना करते हैं, नियमित 1 घंटे की शाखा के माध्यम से ये संचलन की तैयारी के लिए ये उद्देश्य है हमारा। भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। मैन सभी समाज के लोग जो हम एक साथ शाखा के अंदर खड़े होते हैं उसके बाद में हमारा यही उद्देश्य है कि राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे।
वहीं वीर सावरकर नगर क्रमांक 2 का पथ संचलन नगर संघ चालक कन्हैयालाल सोनी के सानिध्य में सुबह 10 बजे लोंगिया से शुरू होकर 10:46 पर दोबारा से लोंगिया पहुंचकर संपन्न हुआ। पथ संचलन पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए नगर संघ चालकों ने बताया कि कदम से कदम मिलाकर चलने और स्वर से स्वर मिलाकर बोलने से सबके मन मिलते हैं और सामूहिकता व संगठन का भाव सुदृढ़ होता है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई और 2 साल बाद ही इस प्रकार के संचलन, पूर्ण गणवेश वाले संचलन निकलने लगे। घोष वाद्य मतलब बैंड के साथ ये संचलन निकलते हैं। आज यहाँ इस रामगंज के क्षेत्र में इसी बस्ती के स्वयंसेवकों का ये संचलन है। संचलन यानि पूर्ण गणवेश में, पूर्ण वेश में कदम से कदम मिलाते हुए चलना। जब हम कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं तो हमारे विचार भी साथ में मिलेंगे और साथ में मन भी मिलेगा। किसी भी संगठन के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। एक होता है कि साथ साथ चलें, कदम से कदम मिला करके चलें। दूसरी बात होती है कि सबके विचार भी एक जैसे हों। तीसरी बात होती है सबके मन भी मिलने चाहिए। ये 3 बातें आवश्यक होती है संचलन के लिए। आज इसी प्रकार का संचलन अपने इस क्षेत्र से निकल रहा है। ऐसे ही संचलन पूरे अजमेर शहर में 8 जगह से इसी समय निकल रहे होंगे और विजयादशमी के दिन ऐसा ही एक बड़ा संचलन पूरे शहर का निकलने वाला है, उसका भी समय इसी प्रकार का रहेगा।